पहले सब पढ़ा देते हैं, फिर एक टाइम बोल देते हैं एंड फिर रिवॉर्ड भी देते हैं जिससे बच्चे और अच्छे से टेस्ट देने आए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। और टाइम कब बीत जाता है सर के पढ़ाने के समय में वो भी पता नहीं चलता। केमिस्ट्री काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, बट इनके यहाँ से मतलब पढ़ने के बाद ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हमको यूट्यूब से वापस जाके पढ़ना पड़े या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा छूट जाए मेरा यूट्यूब से पढ़ना पड़े। हाई एवरीवन, वेलकम टू करियर फिलोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं केमिस्ट्री बाय IIT ऋषि सर के क्लास में, जो कि पढ़ता है बोरी रोड के विवेकानंद मार्ग में। आज है संडे और यहाँ पे चल रहा है टेस्ट, तो हम लोग जानेंगे कि बच्चे का क्या कुछ एक्सपीरियंस है ऋषि सर के साथ और क्या कुछ खास बता रहे हैं बच्चे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें और देखें हमारा ये पूरा वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम लोग जा रहे हैं क्लास में और यहाँ पे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो हम लोग उनसे जानेंगे कि यहाँ पे टेस्ट किस लेवल पे उनको कंडक्ट कराया जा रहा है। कैसे हैं भाई? बहुत अच्छे हैं। किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं? JEE। JEE का कौन सा ईयर में एग्जाम देने वाले हैं आप? 2024 में। तो अभी जो आपका टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट किस लेवल का? JEE के लिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। क्या चैप्टर बेस्ड ये टेस्ट है? और चैप्टर बेस्ड ही है। yes। तो कैसा एक्सपीरियंस है भाई आपका IIT ऋषि सर के पास? सब कुछ समझ में आता है, सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं सर। कुछ क्वेश्चन रहता है तो सर वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मुझे। कुछ खास है भाई सर में तो आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा समझ आ जाता है। आप कितने सेटिस्फाइड है भाई? बहुत ज़्यादा ही। बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे? हाँ। ये जो टेस्ट हो रहा है वो किस लेवल पे आपको कंडक्ट कराया जा रहा है? सर मतलब जिस लेवल तक पढ़ाया ना वहीं तक, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं। ओके। ऐसे ये JEE के लेवल। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। आपका कैसा एक्सपीरियंस है भाई IIT के पास? काफ़ी सही एक्सपीरियंस है। ओके। एक सर बेसिक से उठाते हैं और हाई लेवल तक लेके चल जाते हैं, फ्रॉम बोर्ड्स टू JEE मेन लेवल। या तो अभी जो आपका टेस्ट हो रहा है सर, पहले सब पढ़ा देते हैं, फिर एक टाइम बोल देते हैं एंड फिर रिवॉर्ड भी देते हैं जिससे बच्चे और अच्छे से टेस्ट देने आए, ठीक है। एंड इस टेस्ट में भी लाइक जैसे कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो फ्रॉम बोर्ड्स टू JEE सब मेन चीज़ सर कवर किए हैं इसमें। ओके। एंड कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी दिए जो बस फंसाने के लिए होते हैं, तो टेस्ट काफ़ी सही है। आप लोग जो ये टेस्ट दे रही हैं, क्या ये सरप्राइज टेस्ट है या फिर चैप्टर बेस्ड है? चैप्टर बेस्ड है। क्या कुछ इससे हेल्प होगा आपको पढ़ने में? अच्छा होगा। हाँ। यस सर बता देते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाता है तब सर टेस्ट लेते हैं, ठीक है। यस आप बच्चों को क्या बताना चाहती है यहाँ पे, उनको आकर यहाँ पे कैसा माहौल मिलने वाला है? अच्छा माहौल मिलने वाला है सर, सारा डाउट्स है जो क्लियर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग का वो सॉल्व करते हैं। आप कितने दिन से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रही है? एक मंथ हुआ। वन मंथ हुआ। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? अच्छा रहा। बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आने को? यस। आपका कैसा एक्सपीरियंस है ऋषि सर के पास? बढ़िया है, मतलब सब कुछ समझ में आता है और केमिस्ट्री मुझे अच्छा भी लगता है, तो सर जिस तरह से पढ़ाता है वो बढ़िया लगता है। आप क्या कुछ बताना चाहती हैं सर के बारे में? सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। और कुछ खास चीज़ें जो सर का अच्छा लगता हो आपको? सर सारा कंसेप्ट बहुत ही तोड़ तोड़ के भी सिखाते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके। दूसरा सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। और टाइम कब बीत जाता है सर के पढ़ाने के समय में वो भी पता नहीं चलता है, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जैसे कि केमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट होता है भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हेलो ब्रदर, जो सर का तरीका है पढ़ाने का आपका क्लियर हो जाता है सारा कॉन्सेप्ट? यस सर। मतलब कि कितने सेटिस्फाइड हैं आप? अच्छे से पढ़ा देते हैं सर, समझ में आता है। अगर अभी समझ में क्लास में समझ नहीं आया तो क्लास के बाद टाइम देते हैं, ठीक है, उस समय पूछ लेते हैं, समझ में आता है। तो आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आने को? यस सर। यस ठीक है। आप कितने सेटिस्फाइड है भाई यहाँ से? ठीक, बहुत ज़्यादा। जिस सोच के साथ आप आए थे यहाँ पे, क्या वो फुलफिल हो रहा है? हाँ। कैसे फाइंड किए थे सर को? सर को एक यहीं पे संतोष कुणाल सर हैं, उन्हीं से पता चला था कि यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है। तो क्या कुछ खास माहौल मिल रहा है यहाँ पे आपको? हाँ सर, सब बच्चों पे अच्छा से ध्यान देते हैं, ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो तो क्लास के बाद भी आधा घंटा टाइम देते हैं। तो आप सेटिस्फाइड हैं? जी। ओके भाई, आप सर को कैसे फाइंड किए थे? यूट्यूब पे मैंने देखा था सर को। ओके। पहली बार। हाँ। तो उनका पढ़ाने का तरीका मुझे सही लगा तो मैं यहाँ आ गया। तो क्या आप जिस सोच के साथ आए थे वो फुलफिल हो रहा था? हाँ बिल्कुल, मैंने पक्का। हाँ बिल्कुल, JEE के लिए मैं यहाँ पर केमिस्ट्री। कुछ कमियाँ भी है?
कमियां वैसे कुछ ऐसे नहीं, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सुधार कर ले तो और भी क्लास सर का अच्छा हो सकता है, वो ऐसा कुछ पॉइंट होगा तो बताइए। नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लगभग सर कोई डाउट वगैरह होता है तो सर क्लास के बाद बता ही देते हैं। माहौल कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, मतलब कोई बच्चा इस तरह कोई काफ़ी शांत माहौल है, ठीक ठाक है। ठीक है, कंपटीशन का कैसा ये है यहाँ पे? कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है यहाँ पे पढ़ाई करने से? हाँ, कंपटीशन तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी अच्छे मतलब हैं यहाँ पे, बड़े बड़े स्कूल से बच्चे लोग हैं, तो हमें भी मन करता है कि हाँ हम भी अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो अभी आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कब ज्वाइन किए थे आप? अराउंड 15 डेज हो गया। कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा लग रहा है जी? ओके, थैंक यू। इधर भाई पढ़े हुए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है भाई? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, न्यू ज्वाइन किए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। कब ज्वाइन किए थे आप? हो रहा है मेरा वन मंथ हो रहा है। तो सर का जो टेस्ट लेते हैं सर, वो कैसे लेते हैं, मतलब चैप्टर वाइज लेते हैं, वीक वाइज लेते हैं या फिर मंथली पे लेते हैं? चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम देते हैं रिवीजन करने के लिए, उसके बाद बता देते हैं कि टेस्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट उसका तैयारी करता है, उसका टेस्ट ले लेते हैं। क्या सरप्राइज टेस्ट भी होता है यहाँ पे? सरप्राइज टेस्ट, ये तो मेरा फर्स्ट टेस्ट है। आपका फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? काफ़ी अच्छा रहा। बच्चों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आने को? बिल्कुल करेंगे। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको कैसा माहौल मिलेगा? वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, उनको अच्छा लगेगा। आपको पता है कि केमिस्ट्री काफ़ी टफ सब्जेक्ट होती है, लेकिन सर पढ़ा रहे हैं तब टफ नहीं है। पक्का? हाँ, आप ये दावा के साथ कह सकते हैं? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक। आप लोग क्या कुछ बताना चाहते हैं भाई सर के बारे में? सर अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। ठीक है, सबको रिकमेंड करेंगे हमारा, अच्छा से डाउट भी क्लियर करवाते हैं, टेस्ट भी होते रहता है। यह दूसरा टेस्ट है वैसे तो मेरा। तो क्या यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट भी होता है? सरप्राइज टेस्ट होता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग नया नया स्टार्ट हुए हैं, तो अभी तो हम लोग को बता ही के लिया गया है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज भी होता है अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो, नहीं तो चैप्टर वाइज भी होता है। ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं सर। सेटिस्फाइड है? बहुत ज़्यादा। बच्चों को रिकमेंड करेंगे? एकदम बिल्कुल, एक एक चीज़ डाउट क्लियर करवाते हैं सर, और सर खुद पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई बच्चा नहीं भी बताता है तो भी बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बच्चा को दिक्कत होता है, तो इसको अच्छा से समझो, तो अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे? जरूर। थैंक यू। आपका कैसा एक्सपीरियंस है भाई IIT NIT सर के पास? मतलब एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, सभी बच्चे वही बोल रहे हैं, फैक्ट है। तो ऐसे मतलब मेरी दीदी भी पढ़ी थी, ऐसे कारण पहले से काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले जो है, अब इसमें हम क्या अपग्रेड बता सकते हैं, जैसे सर ऑलरेडी 12 साल के एक्सपीरियंस लेके, तो हम तो मतलब अभी ऐसे एक दो साल के आदमी, तो हम कैसे बता सकते हैं। आप लोग IIT NIT से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बताएं बच्चों को कि क्या कुछ खास दे रहे हैं सर यहाँ पे, तो ज़्यादा बच्चों को क्लियर हो पाएगा कि वाकई में ऋषि सर क्या कुछ खास कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी।